हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू देसी मसल पॉडकास्ट। आज के एपिसोड पे एक ऐसा चेहरा जो हमारे पॉडकास्ट पे एक साल पहले, ओह माय गॉड, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब ये इंसान एक साल पहले हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, यू नो, वन ऑफ दोज पीपल जिनको मैं और भैया दोनों बहुत हाईली अप्रिशिएट करते हैं एज एन एथलीट, एज अ फिटनेस एंथूजियास्ट और हमारे कम्युनिटी का एक हिस्सा है, जो एक साल के बाद इन्होंने जो बोला था उसमें से बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी भी है। ये इंसान है मनोज सारंगपानी, IFBB प्रो। भाई वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अगेन। भाई पिछली बार आप इकबाल के साथ आए थे, इकबाल सर के साथ। सो जिन लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा, प्लीज इट्स अ मस्ट वॉच, आप जाके वो देखिए। एंड इकबाल इनके कोच हैं, फॉर दोज हु डोंट नो। एंड ये जो डायनामिक शेयर करते हैं, शायद ही बहुत ऐसे एथलीट्स हैं इंडस्ट्री में कि वो चाहते होंगे कि उनकी भी अपनी कोच के साथ ऐसे डायनामिक हो। हर कोई चाहता तो है। हर कोई चाहता है, या मैं भी चाहता हूँ। सो गाइस, अगर आपने पिछले एक साल में फिटनेस इंडस्ट्री या शेरू क्लासिक को फॉलो नहीं किया और हमारे जो इंडियन प्रोज हैं उनको फॉलो नहीं किया, तो आपको तो ये चीज मिस आउट हो गई होगी कि मनोज ना केवल सिर्फ एक साल, डेढ़ साल, पिछले डेढ़ साल के अंदर, दो साल के अंदर ही टर्न्ड प्रो, और उसके बाद एक फ्रंट रनर बन गए हैं फॉर हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, दिस सबकॉन्टिनेंट में, कि उन नामों में जो ओलंपिया स्टेज पे क्वालिफाई होने की हैसियत रखते हैं। मनोज, लास्ट टाइम आप पॉडकास्ट पे आए, हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया, आप न्यूली प्रो बने थे, आप और इकबाल की जो फोटोज वायरल हो रही थी और वो जो स्टोरी वायरल हो रही थी वो बहुत लोगों ने देखा आपकी। उसके बाद से जो जर्नी थी, लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात की, इट वाज आप लोग प्लान कर रहे थे थोड़ा साइज पुट ऑन करने, आप लोगों ने प्रो, आप ओपन बॉडी बिल्डिंग डिविजन में बने थे, सुनील यादव भी आपके साथ प्रो बने थे, तो यू आर वन ऑफ दोज नेम्स ऑन दैट स्टेज। मैं तब चाहता था कि भाई ऐसी लाइंस और ऐसी जो कंडीशनिंग है ये मैं देखना चाहता हूँ क्रिस बम्स्टेड के साइड में, यू नो, ये मेरे वर्ड्स थे। और तब आप तीनों ने मिलके, आपने, इकबाल भाई ने और भैया ने मिलके मुझे एकदम डिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, तो ओपन बॉडी बिल्डिंग टेक्निकलिटीज है, बहुत चीज है। लेकिन फिर आपने मेरा दिल खुश कर दिया शेरू प्रो शो में जो पिछले साल मुंबई में हुआ था, आपने डिसाइड किया कि आप उसमें पार्ट लेंगे और आपने अपना एक छोटा सा, यू नो, प्रेप किया और आपने कम्पीट किया। पिछले टाइम से जब से आप प्रो बने, आपकी ये जर्नी कैसी रही है और आपने बॉडी बिल्डिंग के बारे में क्या सब सीखा है, खुद के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में क्या सीखा है? हाउ वाज द जर्नी टिल यू नो द लेटेस्ट प्रो शो, और आपने प्रो शोज खेला, कुछ आप इसके बारे में बताइए। सी, जब एमेचर ओलंपिया मुंबई में हुआ था एंड उसमें मैंने प्रो कार्ड जीता था बॉडी बिल्डिंग में, उसके बाद इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड दैट आई विल टेक अ गुड लॉन्ग ऑफ, क्योंकि द रीजन बीइंग आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ आल्सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सो मैंने, इकबाल ने और मेरी वाइफ ने, हमने ये डिसाइड किया था कि इसके बाद एक अच्छा लंबा ऑफ लेंगे ताकि बाकी चीजों को भी प्रायोरिटाइज किया जाए। तो इट वाज दिसंबर 5th आई वन द प्रो कार्ड एंड उसके बाद अराउंड 8 मंथ्स आई वाज कंप्लीटली ऑफ, कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली, नॉट अ सिंगल थिंग, एंड द डाइट वाज ओके फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं यूएस गया था, दुबई गया था, तो उस चक्कर में थोड़ा इधर वहां का खाना तो बनता था काफी, मतलब घूमे हम, काफी मस्ती करी, तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रिलैक्स्ड, बिकॉज़ क्योंकि उससे पहले जो मेरा प्रेप था दैट वाज गुड वन ईयर एंड हाफ इयर्स, क्योंकि उससे पहले जो जुलाई का शो होने वाला था वो कैंसिल हो गया था और मैंने उसमें कम्पीट करना था, बट जुलाई का शो जो कि कैंसल हुआ तो उस चक्कर में मेरे को मुंबई का ये एमेचर ओलंपिया करना पड़ा, तो वो थोड़ा लंबा ही खींच गया था, तो उसके बाद इसीलिए मैंने अच्छा खासा लंबा ऑफ लिया। पर उस ऑफ के दौरान दिल्ली में जो जुलाई में होता है एमेचर शेरू क्लासिक, सो 2022 राइट, हाँ, तो उसमें मैं गया था, इकबाल के साथ ही गया था एंड आई वाज देयर एंड मनीष सर, मनीष गांधी सर, उन्होंने पकड़ा मेरे को
वो थे, और आई क्लियरली रिमेम्बर वो थे और राजेश सर थे फ्रॉम जेराई, एंड मोहित मेवानी बोल के एक और, तो उन्होंने पकड़ा और मोहित सर ने बोला प्रो शो हो रहा है। मैंने बोला क्या सर? प्रो शो हो रहा है इंडिया में, मुंबई में, और तू खेल रहा है? मैंने सर अभी तो मैं कंप्लीटली ऑफ हूँ, मैं अभी इतने शॉर्ट नोटिस में फिर कैसे प्रिपेयर कर पाऊंगा मैं, वो मुझे नहीं पता। तो बात कर इकबाल से, सबको ऐसा चांस नहीं मिलता। मैन, एंड एंड इट वाज राइट लाइक 3 महीने बाद शो था। 3 महीने इज नथिंग टू प्रिपेयर फॉर अ प्रो शो। वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट शेरू क्लासिक एमेचर ओलंपिया और समथिंग लाइक दैट। इट वाज अ प्रो शो एंड पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड वर देयर, गोइंग टू कम देयर। तो उसके बाद बात शुरू हुई, घर पे बात हुई, आई आई स्पोक टू माय वाइफ, आई स्पोक टू माय पेरेंट्स। और उसके बाद इकबाल से जब बात हुई तो इकबाल ने बोला देख कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, तू लग जाएगा तो मेरे को पता तू कर लेगा। तो देन वी टुक अ फाइनल कॉल। तो 2.5 महीने बचे थे वी स्टार्टेड, क्योंकि वो जब 3 महीने थे उसके भी 2 हफ्ते बाद, वी टुक 2 वीक्स टू टेक दिस कॉल कि करना है, वी कैन वी गिव अवर 100%, तो करते हैं। तो ठीक है डिसाइड किया हम करते हैं। और उसी के 1 हफ्ते पहले दुबई में भी प्रो शो होने वाला था, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑक्सीजन जिम। एंड एक लेवल होता है ना दुबई का जो प्रो शो है, तो वहां पे पता चला कि हर कोई आने वाला, आने क्लासिक चैंप माइकल दबूल, वेस्ली वाइजर्स आने वाले थे, एंड देयर वाज दिस मेडलमैन बोल के एक है फ्रॉम स्पेन, उनका इंस्टाग्राम आईडी मेडलमैन नाम से है वो, एंड मेनी अदर कॉम्पिटिटर्स वो गोइंग टू बी देयर, अबू राबिया फ्रॉम सऊदी। तो मैंने सोचा यार अल्टीमेटली गोल क्या है, ओलंपिया स्टेज पे रहना, ओलंपिया स्टेज पे फर्स्ट कॉल आउट में आना, अभी के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो जीतना ही है गोल, फर्स्ट कॉल आउट में आना है, तो आई नीड टू गेज माई सेल्फ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दीज गाइज। सो देयर वर 30 कॉम्पिटिटर्स, एंड हमने पहले तो मतलब कितना द लाइनअप वॉज वेरी वेरी लो, मतलब काफी छोटा लाइनअप था जब ये डिक्लेयर हुआ था कि दुबई में प्रो शो होने वाला है। धीरे धीरे जाते जाते जैसे ही शो के 1 हफ्ते पहले एक्चुअली पीपी के टाइम पे भी आता है, लिस्ट आती है, तो आई वॉज इन टॉक्स विद एक इंस्टाग्राम आईडी है बॉडी बिल्डर्स विदाउट बॉर्डर्स, हाँ उनका नाम है डैनियल, तो आई एम इन गुड Right. टर्म्स विद हिम। सो डैनियल से बात I, हुई by the way, Daniel जी, is a friend of mine too. So, yeah, नाइस नाइस, cool. इज वेरी गुड गाय। हाँ Best सो डैनियल periods. से बात हुई थी, डैनियल से बात हो रही थी, तो ही सेड कि देखो मतलब द लिस्ट इज एक्चुअली दैट गेट्स आउट ओनली 1 वीक बिफोर द शो। मैंने बोला मेरे को बताना। तो जैसे ही लिस्ट आई द नेक्स्ट मिनट आई गॉट इट ऑन माई इंस्टाग्राम। तो उसके बाद देखा लाइनअप में, बहुत मजा आया देख के। मैंने बोला ऐसा शो खेलना है। तो तब तक तो प्रिपरेशन हो ही चुकी थी क्योंकि टिकट्स एंड ऑल अकोमोडेशन एवरीथिंग वाज बुक। तो जब दुबई गए एंड आई वाज लुकिंग रियली रियली गुड, आई वाज लुकिंग रियली गुड लाइक 20-30 मिनट्स बिफोर आई गॉट ऑन स्टेज। The peak weakers, ओह मैन the क्या बताऊं, मतलब I look look at the photos, वो सारी जो बिनोस में क्लिक करी थी, the videos and everything. I was vascular, I was round, I was the muscles were popping. Exactly what you want on stage. peakers. As shout out to Grey Dot Bhai. हाँ His जयेश। pictures and videos might have made you even more sad, यार यही होता है यार final package stage पे. But yeah man, we हाँ saw those pictures और अभी आपने recently वो video भी डाली आपके अपने YouTube channel पे.
एंड हाँ मैन, वो जो आपकी जो आपने नेचुरल सनलाइट वाली जो प्रेप मतलब पिक्चर्स ली थी अपने होटल रूम में शायद, इट्स हाँ इनसेन हाँ मैन, इनसेन. या कंटिन्यू, गो ऑन. इट वाज ऑल हिज आइडिया, जयेश जयेश का आइडिया था, क्योंकि ही फॉलोज बॉडी बिल्डिंग क्लोजली. सो उसने बोला ब्रो शॉन रोडन जैसी फोटोज लेंगे, जो क्रिस एसीटो आके शॉन रोडन को चेक इन देता है ना, शॉन रोडन चेक्स इन विद क्रिस एसीटो. उसने बोला था कि वैसी फोटो लेंगे. उसने जाते सबसे पहले देखा सनलाइट कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, फोटो का बोला सेट है. मैन, ही इज योर कैल्विन. आपका कैल्विन वही है भाई. कैल्विन इज बाय द वे हाँ सीबम्स फोटोग्राफर, जिसको भी नहीं पता भाई, तो वो हमारे कैल्विन है इंडस्ट्री के. या कंटिन्यू. इज बेटर देन हिम एक्चुअली. वो उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है. मतलब बिनोस में भी कैसी फोटोज अच्छी लगेंगी, बिकॉज बिनोस जिम इज एंटायरली रेड एंड ब्लैक, तो उसपे कैसा शेड अच्छा लगेगा, कहाँ से लाइट आ रही है, क्योंकि वो बिनोस पहले भी जा चुका है, तो उसने उसको पता है कि लाइट कहाँ से पड़ेगी, एंड एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट. डैम, उसके चलते हुए तो क्रेडिट. मैंने पता नहीं एक सेट दो सेट एक्स्ट्रा लाइक 5-10 रेपिटेशंस पार्शियल्स इतना कुछ कर लिया दैट्स द काइंड ऑफ था. फोटोग्राफर यू नीड इन योर टीम, राइट? हाँ यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली. मैन कूल, गो ऑन. तो दुबई प्रो शो के स्टेज पे जाने से पहले लाइक हाफ एन आवर बिफोर जब टैन मैन हो गया था, आई क्लिक पिक्चर्स विद पीटर मोलनार, आई क्लिक पिक्चर्स विद माइकल दबूल. आई वॉज इन बीटिंग माइकल दैट डे, आई वॉज बीटिंग पीटर मोलनार. होली गाइस, लाइक आई मीन गाइस, जिसको पीटर मोलना नहीं पता, मतलब वेटरन सीजनड एथलीट है वो, प्लेड इन बोथ आईएफबीबी इलीट एंड ऑल्सो नाउ इन आईएफबीबी. या 2-1-2 मैन, लाइक डूड, इट्स क्रेजी मैन. लाइक He आप was not on. I was on at that point of time. He was not on because उसका अच्छा, travel वगैरह था और वो बहुत late पहुंचा था. That was the reason. Otherwise, when he comes in on, you can't beat him. I need some more years. कूल. सो आफ्टर दैट, तो आप मतलब आप अभी बीनोस पहुंचे, यू नो, आपने अपने आप को देखा इन एथलीट्स के साथ. आई वुड लाइक टू से कि आपके लिए वो जो चैलेंज था इन अ वे कि दुबई प्रो शो खेलना बिफोर मुंबई प्रो शो, कहीं ना कहीं उसमें आपको एक लेवल की कॉन्फिडेंस भी मिल गई होगी कि आपने इन लोगों के साथ आप स्टेज पे खड़े रहे और यू नो इन लोगों के साथ आपने दैट खेला. दैट एक्चुअली हैपेंड, क्योंकि मैं जब मुंबई पहुंचा था तो उसके बाद आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. आई वाज लाइक कि यार बहुत कुछ देख के आया हूँ, मुंबई हो जाएगा. एंड मुंबई दुबई में जो द गाय हु प्लेस नाइन्थ अहमद अल 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 सराफी, ही वाज द गाय हु वन हियर इन मुंबई, ओ ही वाओ, प्लेस नाइन्थ ओवर देयर. वाओ. एंड सो So, ही उन्होंने आपको वहां पे भी बीट किया ऑन इन दुबई आल्सो. आई प्लेस 15th, आई वाज इन द थर्ड कॉल आउट इन दुबई. ओके ओके. हाँ, क्योंकि स्टेज पे जाने से पहले मुझे अच्छे से याद है, आई वाज लाइक ये कैसे पोज कर रहा है, वो कैसे पोज कर रहा है, मैं सबकी पोजिंग देख रहा था. एंड आई वाज लाइक मैन ये तो खतरा है, ये तो खतरा है, ये भी खतरा है, वो भी खतरा है, सब खतरनाक लग रहे हैं. उस टाइम पे मेरे को क्या करना चाहिए था, बस जो मैंने प्रो क्वालिफायर के टाइम पे किया था, आई शुड हैव प्रेड एंड जस्ट स्टेड काम कि हमने अपना काम कर लिया है, अब जो करना है स्टेज पे जाके करेंगे, बस दूसरों को नहीं देखना. आई आई कुड हैव प्लेस अ लिटिल हायर ओवर देयर, देन आई आई कुड हैव बीन लाइक इन द टॉप 10 फॉर श्योर. एंड बीइंग इन टॉप 10 इन द फर्स्ट इन योर फर्स्ट प्रो शो, दैट्स अ बिग डील. या ऑब्वियसली भाई, लाइक गाइस जो भी सुन रहे हैं ये, मतलब एक होता है एज अ आईएफबीबी प्रो पहले क्वालिफाई करना, वो क्वालिफ आई मीन आईएफबीबी प्रो कार्ड हासिल करना, यू नो, वो भी मनोज भाई ने इस अंदाज से किया. बिकॉज शेरू, इंडिया में प्रो कार्ड पाना इज, बिकॉज इतने सारे एथलीट्स होते हैं, यू नो, आई वुड आर्ग्यू इज वन ऑफ द टफेस्ट स्टेजेस जहाँ पे आप प्रो कार्ड जीत सकते हो, क्योंकि There were in total there were around 650-700 competitors that year ओ in माय गॉड, 2021. ओ माय मतलब गॉड, सारे सारे कैटेगरीज में मिला के, एंड मिला के. मेंस फिजिक एंड क्लासिक फिजिक आर सबसे ज्यादा स्टैक्ड था.
राइट. सो गाइस, सो एज यू कैन सी, तो पहले जब इन्होंने प्रो कार्ड जीता वो भी एक बड़ी कंपटीशन थी, तो जिसे मैं आई थिंक आप इट्स सेफ टू से कि आपको बड़ा कंपटीशन, यू नो, हैविंग दैट बेटर कंपटीशन, ग्रेटर, यू नो, फेसिंग अ ग्रेटर पावर इन फ्रंट ऑफ यू, आपको वो चीज़, आप लुक फॉरवर्ड करते हो वो चीज़ को कि यू नो यू विल बी विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू नो. तो उस हिसाब से आपने दुबई प्रो शो भी चूज किया, यू नो, इट वॉज दैट द साइकोलॉजी बिहाइंड चूजिंग यस, दैट शो. दैट एग्जैक्टली वाज द साइकोलॉजी. बिकॉज अगर मेरा आप यूट्यूब वीडियो देखोगे तो उसमें इकबाल क्लियरली स्टेट्स दिस दैट वी ऑलरेडी न्यू हु वी आर गोइंग अप अगेंस्ट एंड वी स्टिल चोज द शो. ऐसा नहीं कि पहला प्रो शो है तो वी विल जस्ट टेक इट स्लो, हम पहले इंडिया वाले ही खेलते हैं या फिर कोई आस पड़ोस में जाके कहीं खेलेंगे, आते हैं फर्स्ट कॉल आउट में आते हैं. नहीं, हमने सोचा कि नहीं, अब अल्टीमेटली ओलंपिया में जाके इन सबके साथ ही खड़ा होना है, तो भाई देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं. राइट. मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि जब आपका एंड गोल तो था कि आप ये जो मुंबई में प्रो शो है वो आप खेलने वाले ही थे, चाहे जो भी हो, आपका जो ये ट्रैवल करना था दुबई को, यू नो, आना जाना बाकी चीज़ें, मैं पर्सनली तो नहीं बिलीव करता हूँ कि इसने इसने आपकी कहीं प्लेसिंग को अफेक्ट की होगी मुंबई प्रो शो में. बट आपको क्या लगता है कि जो प्रो शो है वो सबने देखा, आई थिंक आप लोग जो भी फैंस हो आप सबने देखा, एंड कहीं ना कहीं हमारी जो एक आस थी ना कि वो मनोज सारंगपानी, वो यू नो वो नाम निकले और हम पहुंचे, एक हमारे यहाँ से एक निकले, वो पूरा नहीं हो पाया. लेकिन कईयों के लिए, हमारी तरह जो लोग हैं, हमारे लिए अभी भी वो डिसीजन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे था. आपकी ओपिनियन क्या है इस पे? जब आपने शो दे, एक दो दिन हो गए, शो हो गया, आपको सेकंड प्लेस मिली, यू नो, रनर अप मिला, आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे थे, और लीडिंग अप टू द शो भी आप क्या सोच रहे थे और क्या मेंटालिटी थी आपकी तब उस वक्त? लीडिंग अप टू द शो एज आई सेड कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि दुबई खेल के आ चुका था एंड आई न्यू दैट आई वाज ओनली गोइंग टू गेट बेटर इन द मुंबई प्रो शो. और वो पता चल रहा था रोज, जैसे क्योंकि दुबई प्रो शो खत्म हुआ उसके अगले दिन आई वाज देयर इन बेनोस, आई हैड टू गेट बैक. इट वाज दिवाली 24th, सो 24th को दिवाली थी एंड 24th शाम की फ्लाइट थी मेरी वापस बैक टू मुंबई. सो 24th सुबह आई वाज देयर इन बेनोस ट्रेनिंग लेग्स, क्योंकि पता था कि भाई अब दो राय ही नहीं है, खेलना ही खेलना है. अर्लियर मैंने पहले भी यही सोचा था कि मैं दुबई भी जीतूंगा मुंबई भी जीतूंगा, मेरे को सब जीतना है. आप एंड पोटेंशियल भी रखते हो वैसे जीतने की, या आई आई बिलीव दैट. तो दुबई से जब हम वापस आए उसके बाद एवरी डे जो चेक इन पिक्चर्स भेज रहा था मैं इकबाल को, वर्कआउट के टाइम पे जब जो पंप था, जो वैस्कुलैरिटी थी, एंड वो होता है ना बॉडी में, द वाटर गोज इन, द लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट मैनिपुलेशन हैपेंस, द बॉडी अगेन स्टार्ट्स गिविंग रिस्पॉन्स एंड आई वाज लुकिंग रियली गुड. जो 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 खामियां मेरे को दुबई वाले प्रो शो में लग रही थी आई वॉज फिलिंग दैट अप. और उसके बाद मुंबई प्रो शो हुआ तो आई आई लाइक मैं गया ही वहां पे था कि आई एम द फ्रंट रनर. बॉस तुम सऊदी से आए हो, जर्मनी से आए हो, कहीं से, यूके से आए हो, जीतने में आया हूं, यही था मेरा. तो एंड ऑल द लाइक देयर वाज बेन, ही इज फ्रॉम सिंगापुर, ही हैज बिकम अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. सो वो उन्होंने भी, he also competed in यहाँ पे दुबई and he also competed here in Mumbai. Then there is this other guy, he's a Russian, stays in Germany. I'm not clear about that. तो मतलब all the competitors were there in Dubai. राइट. आई सॉ बेन, मैंने बेन देखा, और बेन की फिजिक थोड़ी इट्स ऑन द लीनर साइड, क्योंकि और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी फिजिक एक प्रो स्टेज पे होना, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल पुश ऑन द साइज, तो मुझे उनकी फिजिक ऐसी लगी ठीक है लीनर साइड पे है, और उनकी पोजिंग भी मुझे थोड़ी सी, यू नो, लाइक ही वॉज पुटिंग एफर्ट इन टू हिज पोजिंग, उनकी रूटीन भी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, तो या सो बेन की मैं फोटोज यहाँ पे डालूंगा. बेन वॉज लाइक इवन आफ्टरवर्ड्स वी गॉट इन टच एंड
said that Singapore mein bhi pro show aayega. So I'll tell you everything will be done, taken care of, your stay, wow. everything, food and all. Do come and compete. You've got the potential, and you are one of you are going to be there representing Asia, not just India. Yes, bro. Ben bhai represent. Ben bhai ko lana padega desi muscle pe ab. Singapore is practically desi. चलो ठीक है. ओके सो आपने फिर या प्रो स्टेज मुंबई प्रो शो हैपेंड एंड व्हेन आई वाज वॉकिंग ऑन दैट स्टेज आई वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग एंड जो म्यूजिक पोजिंग हुई थी म्यूजिक पोजिंग में द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड आई वाज गेटिंग डिसबैलेंस्ड थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था सो व्हाइल हिटिंग द पोज मैं पीछे टर्न हुआ एंड माय बैक डबल बाइसेप आल्सो मैं जब थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ आगे की तरफ गिर रहा था आई वाज रियली रियली पिस्ड मतलब अगर किसी ने वीडियो में कैप्चर किया होगा तो मैं खुद को गाली देते हुए जा रहा था एंड मैन लाइक जब आई रिमेम्बर जब हम मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट इन टाउन तो मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था एंड मुझे आई बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल ना कि बिकॉज ऑफ आर्ट एंड यू नो हाउ आई लव दिस स्पोर्ट एंड हाउ आई लव योर फिजिक मैं चाह रहा था कि भाई ये जो बीट पे पोज कर रहे ना एंड आई लव द म्यूजिक ऑल्सो बाय द वे वो जो क्लासिक जो गोल्डन नीरा वाली म्यूजिक थी आपने बजाई थी गाइज आप पोजिंग वीडियो की मैं फुटेज यहाँ पे क्लिप कर दूंगा और यूट्यूब का लिंक भी डाल दूंगा आप प्लीज जाके वो देखिए It was just an amazing selection of music भी लेकिन जब वो disbalance हुआ मुझे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ खनकी but I feel तब बहुत लोग ये भी दिमाग में रख देते हैं कि you know कि athlete है भाई depleted है पता नहीं क्या हालत है उसकी pose कर भी पाना वैसी हालत में तो वो चीज़ें वो counter cut कर देती हैं वो you know चीज़ें but yeah what did you feel आपको क्या लग रहा था आपको आप खुश नहीं थे posing से नहीं उस पहले वाली posing में I was not happy and I walked off the stage really really pissed and dimag mein mere kafi sari cheeze chal rahi thi and at that very moment just the right thing happened main gaya backstage and sare lined up the and uske baad main aage ja raha tha wapas second bari wapas posing hoti hai to us time pe deepak nanda ki posing aa rahi thi And I really want to thank him again क्योंकि उस दिन भी मैंने तभी जब उसने अपनी posing खत्म करके when he came backstage I thanked him at that point of time itself मैंने बोला and he for people who don't know he posed on Shiv Tanda Stotram तो that वो एक स्तोत्रम है जो मतलब मेरे रोंगटे खड़े कर देता है हर बारी जितनी बारी भी मैं सुनता हूँ And there are quite a few lines that I remember also. So, और मैं अपने workout के time पे भी वो सुनता रहता हूँ. तो वो जैसे ही posing खत्म करके he came backstage, I was like, Deepak bhai, thank you. And he was like, क्या हुआ भाई? मैंने बोला, ये आपने जो गाना choose किया ना posing के लिए, thank you so much. But he was like, अरे भाई, क्या बात क्या बोल रहे हो? मैंने बोला, नहीं, now I'm going to win. Damn, that's a spirit, man. Okay, cool. So, उसके बाद आपने, by the way, guys, again, Deepak Nanda, वो जो posing routine थी और especially वो जो lights तब, It was fabulous. Yeah, man. Guys, everybody must watch. Yeah. So. And उसके बाद second, दूसरी बार जब posing round हो रहा था, तो I got back on stage and I was like, नहीं, now I'm owning this. Now I'm owning the stage. उसके बाद जैसे ही म्यूजिक आया उसके बाद जो द ट्रांजिशंस द पोजिंग द वे आई हेल्ड द पोज एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट एंड आई वाज द हैप्पीएस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैन आई मीन लाइक जो जब भी मैं इनकी पिक्चर्स देख रहा था ना और लास्ट ईयर के जो ओलंपिया यू नो रन मतलब फेवरेट्स थे एक तो रफ डीजल है टेरेंस रफिन तो मैं हमेशा उनकी पोजिंग को देख के ना मुझे बस ये दिमाग में आता है कि भाई यार हमारा भी कोई ऐसा एथलीट होना चाहिए जो यू नो
who lives up to like वो जो क्लासिक की एक एस्पेक्ट है कि जो पोजिंग होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए. तो उसके बाद जब राइटली सर जब आप दूसरी बार निकले, दैट वाज व्हेन हम सबके दिमाग में एक्चुअली इवन मेरे दिमाग में लाइक नहीं मतलब दिस गाय मनोज भाई लाइक ही डिजर्व्स यू नो फ्रंट रनर इस कैटेगरी के लिए. तो आई गेस ये चीज़ें गॉड गिवन होती हैं या कहीं सिचुएशनल होती हैं कि आपको कोई चीज़ इंस्पायर कर जाए पता नहीं कहाँ से, स्पेशली वैसी हालत में जब आप फिजिकली कुछ प्रेजेंट करना चाहते हो एंड यू नो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग. सो या तो आपने फिर पोजिंग रूटीन की और फिर जजिंग हुई और फिर आपको जजिंग के बारे में क्या लगा एंड देन लेट्स कम टू द फाइनल, व्हाट डिड यू फील अबाउट हाउ इट ऑल एंडेड? I got mixed reviews, and most of the reviews were like, "Ki bhai, it was your show. It was you were winning it one-sided." And मैं जिनकी बात सुनता हूँ, see एक एक होता है कि I listen to everyone, but I register only a few voices. मेरे को जो मतलब रखती हैं जिनकी बातें, मैं बस उनकी बात सुनता हूँ. बाकी मैं दुनिया की बात यहां से आ रही है यहां से निकल जाएगी. मैं किसी को कुछ उल्टा जवाब नहीं देता कि तूने ये कैसे बोल दिया, तेरे को मैं देख लूंगा. एंड भाई भाई ठीक है यार, बोल दिया, हो गया, कोई बात नहीं. बट जिनकी बातें मेरे को रजिस्टर होती हैं, मैं उनकी बातें जरूर सुनता हूँ. एंड इस बार वाज वन ऑफ देम. जस्ट अ सेकंड, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है. तो इकबाल ने बोला था कि मैंने पूछा उससे कि क्या रीजन था, क्योंकि आई रिमेम्बर हम मैं गया था उसके घर गया था. सो देयर वाज जस्ट अ कैजुअल गेट टुगेदर. तो मैं था, सनी था, वो था और कुछ जिनके दोस्त थे. एंड अम्मी बैठी हुई थी, भाभी थी, उसके दोनों बच्चे थे, उसके डैड थे, सारे बैठ के हम किसने बोला था, अम्मी ने बोला था कि YouTube पे देखा था हमने, नहीं किया उन्होंने, तू जीत रहा था. That hurts the most. अम्मी को भी पता था मनोज का ही था वो. मैंने बोला YouTube पे है, आपने YouTube पे देखा? तो उन्होंने बोला हाँ लगा, अभी लगा. तो मैंने लगाया, मैं बैठ के देख रहा था. एंड They get equally dejected. क्योंकि जब मैं जीता था तब भी बहुत खुशी से चिल्ला रहे थे वो, जब मैं हारा अभी मुंबई प्रो शो में तो भी it didn't go down well with them. तो जब देखा मैंने, उसके बाद मैंने पूछा एक बार से, यार कहाँ मैं कहाँ हार रहा था. बोलता तू हर जगह उसको बीट कर रहा था, बट दी ओनली थिंग दैट आई फील He won. It was उसका waist थोड़ा narrow था. Your abs were popping, your back, your glutes, hams, the conditioning, everything was great. उसके waist की वजह से he was having a much classic look. That's what Iqbal felt. And I was like, बात खत्म बस. इकबाल भाई ने तो अपनी प्रो नजरों से बोला होगा आपको, लेकिन मेरी मेरी जो अनप्रो नजरें हैं इनको जो जो जनता की नजरें हैं ना, जो जनता की आंखें हैं, वो भी एक वॉइस वो एक मैटर करती है. एक इतनी टेक्निकलिटीज में जाके एक जज पता नहीं एक डिसीजन दे देता है एक दूसरे के ऊपर. आई नो इकबाल ने आपको कुछ बोला होगा, आपने अपने मन को शांत किया होगा उसी डिसीजन के साथ. लेकिन ऑनेस्टली यार मनोज भाई, Tell me honestly, you think आपको उस रात मिल जाना चाहिए था? I felt so, yes. I felt so. Everyone, मतलब निधि is one person कि अगर मैं हार रहा हूँगा तो वो बोल देगी कि नहीं, the other guy was good. But that night and she was furious. And all of us were furious, man. Yeah. Achha, tell me one thing. It's part and parcel of the game. You need to be undeniable to actually win. And that is one way that I have learned winning.
go there, go beyond that stage, be undeniable. डंके के छोड़ पे तुम लेकर आओ मेडल. तो जब आपने ये सुना इकबाल भाई से, अब मैं अब ठीक है फॉर एग्जांपल ये ठीक है ये डिसीजन हो गया गाइस, अभी अपना दिल अभी था, अब ये डिसीजन के साथ खुशी खुशी जीना सीख लो गाइस, क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम है ना उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, आपने ये चीज़ सुनी कि ठीक है इकबाल भाई ने बोला कि ठीक है ये एक पॉइंट हो सकता था जहाँ पे उन्होंने बीट किया, और आपके लिए हर एक पॉइंट आगे जाने के, बिकॉज यू आर एमिंग फॉर ओलंपिया स्टेज राइट. तो उसके बाद से अभी आपका क्या माइंडसेट है, हाउ डिड यू keep yourself motivated, and sort of motivation से better word ये है कि आपने कौन सी ऐसी चीज पे aim किया कि आप बेहतर बनोगे अब इस चीज में, was there anything या overall बस कुछ? मैं जो करते आ रहा हूँ मैं और एक बार हम वही कर रहे हैं, and it's just that उस time prep का time हमारे पास कम था, but Mumbai Pro Show हुआ, the very next day we got on prep. Wow. हाँ, so अब दिल्ली प्रो शो की डेट्स आर आउट, एंड वो जब पता भी नहीं थी तब से हमने डिसाइड कर लिया था कि जुलाई के बाद के शोज हम करेंगे, क्योंकि अक्टूबर 30th इज द कट ऑफ डेट फॉर ओलंपिया क्वालिफिकेशन. सो जुलाई से अक्टूबर 30th के बीच में जो शोज आते हैं उसमें करेंगे, वील विन वन एंड विल गो टू द ओलंपिया. मुझे अच्छा लगा कि आपने अभी कहा कि वी विल विन वन, क्योंकि यू नो अभी तक वो जो माइंडसेट था एक्चुअली वो अभी हो भी नहीं पाएगा कि अब क्योंकि वो जो पॉइंट सिस्टम है वो तो आईएफबीपी ने बंद ही कर दिया है. लेकिन फिर भी आई लाइक कि आपका जो माइंडसेट तो भी पहले से ही था कि आप कुछ जीत के जाना है यू नो. 100%. तो थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं यहाँ से मनोज भाई. आपने लास्ट टाइम जब आपने बात की थी और मैंने इसके बारे में कहा था कि आप क्लासिक में आने के लिए थोड़ा कतरा रहे थे या कुछ ऐसे टेक्निकलिटीज थी, तो क्या हुआ कि आप क्लासिक में आ गए? व्हाट ये जो ट्रांजिशन थी ये आपने क्यों किया, ये डिसीजन कैसा था, म्यूचुअल था आपके और इकबाल के बीच में, आपका डिसीजन था, हाउ डिड दिस फॉर्म, ये डिसीजन कैसे लिया आपने ओपन से क्लासिक में जाने का, ये मैं सुनना चाह रहा हूँ. ये actually it was more of my call, क्योंकि इकबाल always wants to see me in open. तो not 212 open. Yeah, because that is that, he sees that potential in me, and I would like my viewers, your viewers, to know that I'm not there in classic forever. If I feel that my growth is being restricted, I will switch. Because the ultimate goal was always to be a freak up on that stage. Ki dekhe aur bole ki ye kya hai. वही जो चीज़ मैंने और भैया ने नोटिस की, एक तो कंडीशनिंग वाइज जो आप आपकी जो पोटेंशियल है आप जहाँ तक जा सकते हो अपनी बॉडी को पुश कर सकते हो, शायद ही कुछ लोग हैं जो वो कर सकते हैं उस हिसाब से भी, और जिस हिसाब से आपकी आपकी बॉडी बस मास पकड़ती है और जिन जगहों पे वो पकड़ती है. कि मैं व्यूअर्स को इस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पहली बार एक्चुअली मनोज भाई से मिला रिसेंटली, इकबाल भाई के जिम की एक एनिवर्सरी थी, मैं वहाँ गया. ठीक है गाइज, और जो मैंने देखा भाई गाइज, ऐसा इमेजिन करो कि जैसे एक 2 फुट लंबी हैंगर पे आपने शर्ट रखी होगी यू नो, एंड इट्स लाइक इतने ब्रॉड है ये, और रियल लाइफ में जब दिखते हैं ना, नॉट ओनली ब्रॉड, वो जो 3Dness बोलते हैं ना, जो डेंसिटी, वो मुझे इनके अंदर बहुत ज्यादा लगी. तो आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी ऐसी खूबी है जो आपको, जिसने आपके दिमाग को या आपको खुद को बोला कि नहीं यार मुझे क्लासिक में रहना चाहिए, अभी अभी ऊपर नहीं जाना चाहिए? Because right now मेरा जो क्लासिक में जो वेट लिमिट है that is 94 kgs, और अभी तक जो मैं आया हूँ I have been on 91, तो मेरे पास अभी 3 kilo और हैं बढ़ाने के लिए, those 3 kgs at the right spots, and you know what will happen. What are those spots, if I may ask? कौन सी वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि आप अगर सही मसल गेन करोगे आप फिर भी क्लासिक में you know, बहुत एक थ्रेट प्रपोज करोगे? Glutes, hamstrings, arms.
शोल्डर्स तो कभी भी छोटे नहीं, कभी भी आप मास ही डाल दो भाई, भरते रहो शोल्डर्स। बट या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको आपकी जो लोअर बॉडी है वो आपकी अपर बॉडी से थोड़ी कम डोमिनेंट है आपकी फिजिक में? ये चीज मैंने निधि से भी सुनी एक्चुअली. मतलब जब मैं प्रेप करता हूं, जब मैं स्टार्ट करता हूं, माय अपर बॉडी लुक्स मोर डोमिनेंट. और उस मतलब इन माय अर्लियर डेज माय लोअर बॉडी वाज वेरी डोमिनेंट. तो आई हैड टू पुट इन सम रियल वर्क एंड हैवी हैवी एस वर्क टू गेट दैट मास इन माय अपर बॉडी. द वेट्स दैट आई पुश, द वेट्स दैट आई पुल कम लोग करते हैं, एंड आई डू इट ऑन अ डेली बेसिस. और उसके बाद अपने आप को फीड करना, कभी कभी फोर्स फीड करना ऑन अ डेली बेसिस दैट टू, तो वो मुश्किल हो जाता है. कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, बट टू डू इट इन रियल वो मुश्किल हो जाता है. तो अब रिसेंटली क्या हो रहा है, मैं जब प्रेप शुरू करता हूं तो माय लोअर बॉडी टिल द टाइम द स्ट्राइएशंस डोंट कम इन, टिल द टाइम दैट सेपरेशन डजंट कम इन, तब तक वो थोड़ा लेस डोमिनेंट रखता है. बट जब इट वो क्या होता है एक्चुअली, फुट प्लेसमेंट आल्सो मैटर्स अ लॉट. द वे आई हिट माय फ्रंट डबल बाइसेप, उसमें मैं पहले जैसे खड़ा होता था तो वो क्वाड्स, एडक्टर्स, द पेक्टिनियस, इनर थाइस बेसिकली, वो सेपरेटेड नहीं दिखता था. स्वीप बहुत तगड़ा दिखता था, रेक्टस फेमोरिस दिखता था, वास्टस मीडियालिस लेटरालिस सब दिखता था, पर इनर थाई की सेपरेशन नहीं दिखती थी. बट नाउ द वे आई पोज, जो मैंने दुबई प्रो के लिए प्रैक्टिस किया था और सेम आई डिड फॉर मुंबई प्रो शो ऑल्सो, तो जिस तरीके से मैं अपना अपना फुट प्लेस कर रहा था तो उससे काफी ज्यादा मैटर कर रहा था वो. गाइज मनोज भाई, आई डोंट नो, अगर क्योंकि मैं बहुत बारीकियों से चीज़ें नोटिस करता हूँ, कोई क्रीप आउट मत होना गाइज, लेकिन मनोज भाई जो मैंने रीसेंट फोटोज़ देखी इनमें आपकी एक थोड़ी सी पेल्विक टिल्ट है, ठीक है? और आई डोंट नो ये डेलिब्रेट है ताकि आप थोड़ा और बेंड करो ताकि आपके लेग्स पे प्रेशर पड़े और आप उनको प्रॉपरली स्क्वीज कर सको आपके लेग्स के मसल्स को। लेकिन ये जो पेल्विक टिल्ट है, जो बॉडी बिल्डर्स लाइक मैं यहाँ स्क्रीन पे फोटो भी डालूंगा, जो झुकते हैं जरा, इवन फ्रंट पोजेस पे और बैक पोजेस पे, इस बार मुझे लगा कि आपकी जो वो टिल्ट थी, स्पेशली जब आप वैक्यूम पोजेस हिट करते थे थोड़ी आपके प्रॉब्लम फ्रंट डबल या थोड़ी, या तो उसके बारे में आपका कुछ कहना है या कुछ साइकोलॉजिस्ट के पीछे आपने प्रॉपरली उसको डेलिबरेटली वैसे रखा है, या आपका इस पे क्या कहना? इट वाज डेलिबरेट. एट फर्स्ट इट वाज डेलिबरेट, और जितनी बार मैं प्रैक्टिस करता गया, क्योंकि पोजिंग सेशंस एंड पोजिंग हर रोज करता था मैं, तो धीरे धीरे वो आदत बन गई. अब वही पोज मैं अभी ऑफ सीजन में मारता हूँ तो द पेल्विक टिल्ट इज नॉट प्रोमिनेंट, क्योंकि वैक्यूम भी उतना अंदर खिंचता नहीं है. बट जैसे जैसे दैट वैक्यूम कम्स इन, तो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा बेंड होते हैं. ओके, सो अभी आपने आई थिंक एक दो चीज़ों पे आपने हमने टच किया, एक तो वो आपकी पोजिंग हो गई एंड इसने आपको कैसे हेल्प किया। आप कैन यू टॉक अबाउट जब आपने ये इस चीज़ को अभी स्टेज पे आजमाया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आप आगे जाके वो चीज़ें अवॉइड करोगे इन योर लुक जो आप फाइनल प्रेजेंट करते हो स्टेज पे, या कुछ चेंज करोगे फॉर अ बेटर वर्ड? पता नहीं, इस बारी में तो ऐसा लगा कि मैं अगली बार जो ट्राई करना चाहूंगा वो ईटिंग लेस कार्ब्स, क्योंकि दिस टाइम आई फेल्ट कि मैं थोड़े पे भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा था. एंड इट वाज लाइक 2 मील्स अ डे ऑफ 200 ग्राम्स राइस, वाइट राइस, एंड आई एम गुड टू गो. लिटिल बिट ऑफ वाटर. The one thing that I need to do is make weight really really early, ताकि वो last stage पे वो भगदड़ ना मचे और उसके बाद बहुत तगड़ा water drop. Because इस बारी हमारे पास prep के लिए time बहुत कम था, तो ultimately last के 36 घंटे I had to stay like कुछ भी नहीं खाया था ना पिया था, just to make weight.
यू थिंक ये जो अब ये मैं मेरा जरा ट्रांजिशन जा रहा है जजिंग के साइड को, यू नो कि एथलीट जजेस के फीडबैक कैसे लेते हैं, आपका प्रोसेस क्या होता है नॉर्मली जब आप यू नो स्पेशली ऐसा सेकंड रनर अप आना जिसमें यू नो वजह ही समझ नहीं आती, आप कैसे जाते हो? डिड यू आस्क जजेस को, आपने पूछा उनका क्या फीडबैक था, या कुछ ऐसा डायनामिक कैसा रहता है एथलीट और जज के बीच में? Judges are very receptive and they always welcome the athletes to ask. उसमें कोई दो राय नहीं है. They उन्हें वो किसी को नहीं रोकते कि how can you come and talk to me and all. There is nothing like that. कोई भेदभाव नहीं है. What I feel is कि देखो यार तुम स्टेज से उतरे और सीधा जज के पास नहीं जा सकते. The judge is still busy. There are other people waiting in the line. There is other division that's coming up on stage and they are occupied right now. Give them their space. They will have time later on. Reach out to them on Instagram. Reach out to them on their emails. Call them up. So, maine yahi kiya tha. So, I spoke to Steve DeVore. He was the judge in this Mumbai Pro Show. So, he and I spoke to Freddie Naidu. Freddie is the evergreen he's like the bishop of Indian Indian fitness. Yeah, Freddie, great guy. Ji, fir aapko kya feedback mila? My feedback was that I just had to put on a little bit more size on my hams and glutes. Wo ham ka jo sweep aata hai and ham glute ka jo tie-in rehta hai, I just need a little bit of work on that. He recently conveyed the same thing on one of his podcasts with Coach Harry Sandhu. So Harry sir ke saath unka podcast tha and Harry sir had asked him that what Manoj Sarangapani needs to do to be on that Olympia stage. So he clearly mentioned that just a little bit of work on his hams and glutes and he's there. He's already there. Wow, this is big words. Matlab Freddy bhai to wo Olympia caliber, वो खुद pro shows conduct करते हैं और वहाँ पे I spoke to him about he does this Texas pro show. Texas pro Battle of Productions, yes. जी, so आपको so basically guys जो भी athlete सुन रहे हैं यहाँ पे, ये dynamic होती है कि एक athlete judges से कैसे बात करे, वो हड़बड़ी में तभी show के बाद stage से उतरने के बाद ना जाए और यू नो थोड़ा अपना वक्त लेके जजेस को भी अपने थॉट संभालने का वक्त देके फिर उनसे ऐसे इंस्टाग्राम या ईमेल के थ्रू रीच आउट करना वो बेस्ट चीज रहती है. तो उसके बाद का जो आपका ये था कि जजिंग, आपने जजेस से पूछ लिया कि आप यू नो कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो. इसके बाद में इस पे आना चाह रहा था कि स्पोर्ट की डायरेक्शन, डिविजन की डायरेक्शन अभी हर साल क्या हो रहा है. यू नो एक अलग ऑब्वियसली क्लासिक में तो एक एक हमारे पास बादशाह बैठे हुए हैं ऊपर, वो तो हटने नहीं वाले, पिछले 2-4 साल से वो वहीं पे हैं. लेकिन उनके बाद की जो भी प्लेसिंग्स है ना, मैं उनके बारे में थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ. एक एक लुक सॉर्ट ऑफ एस्टेब्लिश हो रहा है, अभी होने आ रहा है कि यू नो अर्ज कैलेसेंस की है, रेमोन डीनो है, दीज टॉल वाइट गाइज यू नो एंड ऑल्सो मतलब टॉलर एस्थेटिक. आई मीन taller as compared to you know Breon or Ruff Diesel. Of course, taller than Breon and Ruff Diesel, yes. But yeah. I feel I think Urs is a little shorter than me. Or of the same height. No, I think he may be a little taller than you. Halka sa. Ya to unki frame pe kam muscle hai, to maybe that's why he looks taller. But the way he's put together, mujhe lagta hai ki unki wo jo height hai, jo jab saath mein khade rehte hain. इवन सीबम के साइड में, क्योंकि सीबम की जो वेन की चेकन की हाइट सभी 6'1" 6'2" के अराउंड हो रही है, तो आई थिंक उनकी भी हाइट अराउंड 6'6" हो, एंड आई थिंक आप भी 5'11" है, तो मे बी नॉट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस. तो आपसे एक या दो इंच ही बस डिफरेंस होगी उनकी बड़ी. आपको क्या लगता है? I think it's up there. So the point of this is ki kyunki pichle saalon mein ek wo jo static ke liye ki ye log kya dhoond rahe hain, you know kya dhoond rahe hain other than just flow, ki log kya dhoond rahe hain. Aur baaki divisions mein bhi yahi ho raha tha, especially men's physique mein bhi abhi ye recently wahi hua ki you know
ब्रैंडन के ओवर एरन बैंक्स को दिया जिनकी फिजिक टाइप थोड़ी सी अलग है. आपको क्या लगता है एज एन एथलीट आप इसको कैसे नेविगेट करते हो कि हर साल IFBB क्या ढूंढ रही है एक चैंपियन में? आपके दिमाग में अभी वो स्टैंडर्ड क्या है? इन टर्म्स ऑफ मेंस फिजिक की बात करें तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है. आई डोंट नहीं, फॉलो क्लासिक एट ऑल. क्लासिक ऑब्वियसली क्लासिक क्लासिक की बात. क्लासिक में दे आर लुकिंग फॉर द राइट अमाउंट ऑफ साइज, नॉट फ्रीकी साइज, द राइट अमाउंट ऑफ साइज, सेइंग द वेट लिमिट एंड अ गुड फ्लो. दैट हैज बीन कंसिस्टेंट ओवर द इयर्स, कमिंग फ्रॉम द इयर्स ऑफ आराश राबार, डैनी हेस्टर, एंड देन They were veterans. No disrespect to them, but when they stand next to Terence Ruffin, next to Ramon, next to Chris Bumstead, they don't stand a chance right now. Right now, they don't. At their time, they were the ones to rule it. Abhi dekha jaye to, I really like Ramon's physique, and the next guy to be on that throne would be Ramon. पिछले ओलंपिया पे आते हैं. आपने ओलंपिया देखा और एक एकदम एक देर वॉज एक डिस्टिंक्ट था कि नहीं, वन और टू पे यही दोनों है. वन भी डिस्टिंक्ट ही था कि वन पे कौन है, क्योंकि इस बार तो कमाल ही कर दिया हैनी रैमबॉर्ड ने. एक आई थिंक बेस्ट क्रिस बॉम्स्टेड देखने को मिला हमें. आप अपनी ओपिनियंस दीजिए कि आपको क्या लगता है कि कितना जल्दी रेमोन डिनो वहां पहुंच सकते हैं? कोई है, अर्ज है या कोई और है, टेरेंस है जो अपनी प्लेस वापस ला सकते हैं? आपको क्या लगता है टेरेंस पीछे क्यों रह गया? थोड़ा क्लासिक फिजिक का ओवरऑल आपका क्या लगा, सिनेरियो क्या था ये लास्ट ओलंपिया देख के इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग्स एंड फ्यूचर? हैविंग अ गुड हाइट मैटर्स इन क्लासिक फिजिक, इट रियली मैटर्स. मतलब व्हाट्स एस्थेटिक टू द आईज इज अ गुड टॉल गाय with beautifully flowing physique, and प्यारा लगता है यार क्रिस बम्स्टेड, सुंदर लगता है. मतलब साफ साफ बात करते हैं, क्रिस बम्स्टेड को खड़ा करो, टेरेंस रफिन को खड़ा करो, आंख कहाँ जाएगी, नजरें सीधा क्रिस बम्स्टेड पे जाएंगी. क्रिस बम्स्टेड वो अनफेयर एडवांटेज है भाई. मतलब इतना भी यार जेनेटिक, मतलब उनके लिए एक अलग ओलंपिया रखना चाहिए, बाकियों के लिए एक अलग, आई फील. तो बट या सो आपको इन जनरल लगा कि क्रिस एक हद तक मतलब बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट है. तो हाइट एक चीज आपको लगती है कि अब क्लासिक में मैटर करने लगी है कि जो अच्छे, क्योंकि मेरे इसमें जहां तक था, क्योंकि पिछले ओलंपियाज में मुझे लगता था कि जिस हिसाब से टेरेंस चल रहे थे उनकी पोजिंग एक ऐसी फैक्टर थी. मुझे पता नहीं कि पोजिंग की कितने एक्चुअली जजिंग के पॉइंट्स मिलते हैं एक क्लासिक फिजिक के शो में, प्रो शो में या ओलंपिया में भी, लेकिन वो डेफिनेटली उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं और बेस्ट पोजर का अवार्ड भी रहता है एक ओलंपिया पे और आर्नोल्ड क्लासिक पे स्पेशली, विच इज लाइक ग्रेट मनी. आर्नोल्ड क्लासिक पे तो बेस्ट पोजर $20,000, मतलब जोक नहीं है, बहुत काफी ज्यादा पैसा है या समथिंग, मतलब काफी पैसा था. तो बट द थिंग इज कि अब ये पोजिंग ही एक फैक्टर साइड में रख के जो फिजिकलिटी वाइज है, हाइट एक चीज मैटर कर रही है ज्यादा. और अगर छोटे हाइट वाला बॉडी बिल्डर जरा सा भी ऑफ आता है, इट्स मतलब वो उसके उसको हर्ट करने वाली है. एंड एक्चुअली मैं ब्रियोन से बहुत ज्यादा इंप्रेस था बिकॉज उन्होंने एक बहुत मस्त कड़क पैकेज लाइक कंडीशनिंग वाइज, तो जो कि अभी 212 में जा रहे हैं. आपको ब्रियोन के बारे में क्या लगता है, उनके 212 के स्विच के बारे में क्या लगता है? Have any thoughts on that? He will be out of top five if he competes in 2023. एक मसल पे आई थिंक मसल साइज उतना बढ़ाना टू स्टैंड विद दोस गाइस, थोड़ा टाइम लगेगा. एंड आई रियली डोंट नो हाउ हिज वेस्ट इज गोना स्टे टाइटर, बिकॉज़ दैट इज वन रीजन दैट ही इज स्विचिंग टू 212, वन ऑफ द रीजंस. जी, और ऊपर से उनकी जो लेग्स भी थी, आई थिंक वो एक तरीके से थोड़ी डिफ्लेटेड लग रही थी बिकॉज ही हैड टू डाइट सो मच, इतना वो डाइट करते थे नीचे, तो उनमें वो जो दैट्स द प्रॉब्लम विद मेनी पीपल. मतलब मैं भी पहले यही बोल रहा था ना कि इफ आई फील रेस्ट्रिक्टेड इन क्लासिक आई विल स्विच,
क्योंकि टू कम टू दैट वेट लिमिट आई हैव स्पोकन टू माइकल दाहुल सो ही आल्सो डाइट्स रियली रियली हार्ड टू कम डाउन टू 94 केजीस हिज वेट कैप इज द सेम एज माइन एंड फॉर हिम टू रीच 94 केजीस ही आल्सो लाइक डाइट्स लाइक क्रेजी पैट्रिक टूर मेक्स हिम डाइट लाइक क्रेजी जी पैट्रिक टूर का तो वही है ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क हां बट माइकल दाहुल इज कन्विंस्ड दैट ही इज इन फॉर क्लासिक ओनली जी सो जिसके मन में ये क्लियर है कि भाई तुम कर सकते हो आने वाले सालों में भी तुम ये कर सकते हो यू कैन विदस्टैंड दैट एंड यू आर नॉट हैम्परिंग योर प्रोग्रेस यू आर देयर इन क्लासिक ओके वेल एंड गुड बट अगर ब्रियॉन हैंसली को लग रहा है कि इतना डाइट करके आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग माय बेस्ट फिजिक बिकॉज ही नीड्स ही डजंट नीड टू डाइट दैट बैड एंड दैट हार्ड that he gets deflated and doesn't have the time to properly carb up. So last mein jab 1.5-2 din ka jab time rehta hai, jab wo kuch logon ke liye kam rehta hai. Some people need at least 4-5 days of carbing up. And that can only happen when you are already there in the weight limit. Agar aapka 94 ka cap hai, aap pehle se 91 kg, 92 kgs pe ho. कोई टेंशन नहीं लेना आराम से काबू करो राइट तो वो एक स्ट्रेस रिलीवर हो जाता है एक एथलीट के लिए शो आते आते स्ट्रेस रिलीवर होता है बट आल्सो एट दैट स्टेज एट अ प्रो शो के स्टेज पे ईच केजी ऑफ मसल मैटर्स ईच केजी लाइक आई सेड 6'2" 6'3" की हाइट पे क्रिस बम्स्टेड इज फिलिंग अप हिज फ्रेम Imagine him being at 100 kgs, like 98 kgs, and imagine him being at 106, 108 kgs. That's his weight cap, if I'm not wrong. Wow. Actually, इस पे मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा था. Rightly said, actually, उनकी weight cap की पिछले बार उन्होंने ये एक point discuss की थी कि एक बार जब हम IFBB में एक हाइट सेट कर देते हैं ठीक है ये मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पेशली एथलीट्स कहते हैं कि बार बार जो हाइट करना वेट करना बार बार वेट इज फाइन बट हाइट करना बार बार अपनी हाइट क्या क्योंकि हाइट ही वो फैक्टर है जो डिटरमाइन करती है कि आप कितना वेट अपने फ्रेम पे चढ़ा सकते हो राइट तो आपकी इस पे ओपिनियन क्या कि अगर आपने एक बार IFBB में रजिस्टर कर दिया ठीक है और आपने एक शो खेला ठीक है एनपीसी का शो खेला या आपके पहला जो भी शो था और आपने उस पे एक हाइट चूज कर दी क्या आपके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि आप अगली बार अगर आप चाहो आप पिछले वाले हाइट जो आपने रजिस्टर की थी उसी हाइट के अंदर खेलो डू यू थिंक ये होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 6 months और 1 year ओके क्योंकि द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट वी पुट ऑन ऑन आवर बॉडीज द स्पाइन कंप्रेसेस Over age, over the period of years, you would see, मतलब आपके पापा जितने लंबे पहले थे, at the age of 65-70, he's not that tall. That is because spine compress हुआ है, height decrease होती है. And imagine us as bodybuilders lifting those heavy poundages. How much compression is happening? So over a period of years, wo height change hota hi hota hai. And with the water manipulation, salt manipulation and all, when you are shredded to the bone, wo jab talwo ke niche bhi jo padding rehti hai, wo bhi ghat jati hai. Ji. Height usme bhi kam hota hai. So ओवरऑल आपका भी ये कहना है कि जो ये हाइट है मैं हम एक सोल्यूशन प्रपोज कर देते हैं ठीक है एक तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हाइट बढ़ गई राइट तो आपके पास राइट होनी चाहिए कि हम रीहाइट करें यू नो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि अगर आप रीहाइट करना चाहोगे आप कर सकते हो राइट वेट तो कैसे भी करना ही है सो आपने जैसे बोला कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एटलीस्ट होना चाहिए मैं तो ये कहता हूं कि क्योंकि एक बंदे को वो एडवांटेज मिलनी चाहिए दैट ही हैज स्टार्टेड हिज करियर इन एनपीसी या IFBB एज एन एथलीट जो उनकी पहली IFBB प्रो कार्ड मिलने के बाद अगर जो पहले प्रो शो खेल रहे हैं यू नो उस प्रो एटलीस्ट फॉर प्रोज मैं नॉर्मल एथलीट्स एमेच्योर की बात नहीं कर रहा एटलीस्ट फॉर प्रोज ये चीज होनी चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी करियर में जब स्टार्ट किया एक हाइट कर दी उन्होंने
तो वही हाइट के साथ उनको खेलने का ऑप्शन मिलना चाहिए एटलीस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर करियर आफ्टर टर्निंग प्रो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रो टर्न करने में ही बहुत टाइम जाता है, तो उनका वहां पे एक हाइट का ऑलरेडी अनफेयर एडवांटेज वो कम हो जाता है वो, कि यू नो उनकी हाइट वैसी ही रहे जैसे उन्होंने करियर जब स्टार्ट की वैसी रही होती. तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपके दिमाग में क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका, अदर देन जस्ट यू नो टाइम, कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये चीज फिक्स्ड रहनी चाहिए. मैं तो यही मानता हूँ कि एटलीस्ट लाइक एक साल के लिए व्हेन द कॉम्पिटिटर इज प्लानिंग टू कम्पीट इन अ नंबर ऑफ शोज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, उसको बार बार ही डजंट हैव टू गो थ्रू दैट स्ट्रेस कि यार अभी क्या हाइट आएगी, अभी क्या हाइट आएगी, वेट उसके हिसाब से मैच करना है क्या, एंड हाइट का क्या है जाके द डे ऑफ वेन यू गो एंड स्टेप ऑन दैट स्केल एकदम से एक सेंटीमीटर कम बोल दिया, अगर 175 सेंटीमीटर का तुम्हारा 176 का 175 बोल दिया, यू फॉल इन अ डिफरेंट वेट कैप. 4 किलो का तुम्हारे पास वो घाटा है तुम्हारा, सीधा 94 केजी से 91 केजी 90 केजी का उस मान लोगे. और उस वक्त एथलीट के पास उतनी वाटर वेट भी नहीं होती है बॉडी में कि वो उसको शेड करके आ जाए, यू नो बिकॉज अगर जितना भी है ही हैज टू डू समथिंग अनहेल्दी, वो फिर मैल प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं. दैट्स वेयर अब्यूज हैपेंस, दैट्स वेयर डेथ्स हैपन. तो अगर हम ये एक चीज लें, आईएफबीबी को प्रपोज करें कि भाई हाइट एक चीज है जिससे इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आके ऐसे अब्यूज भी हो सकती हैं चीजें, यू नो एंड यू नो इट अफेक्ट्स वेरी एडवर्सली, तो अगर हाइट का ये एक चीज फिक्स कर दें साल में एटलीस्ट एक बार, तो इट कैन मेक दिस अ हेल्दियर स्पोर्ट इन अ वेरी स्मॉल वे. शायद दे आर ऑलरेडी, इट इज ऑलरेडी इन टॉक्स, एंड इन फैक्ट इसी साल 2023 ओलंपिया रेमोन डीनो डिडंट मेक वेट, एंड मतलब इट्स देयर इन द टॉक्स कि ही हैड टू गेट अ स्पाइन डीकंप्रेस्ड एंड ऑल हाइट इंक्रीज करने के लिए 1 इंच से. तो अगर नहीं होता वो तो इमेजिन सेकंड प्लेस से आई डोंट नो वेयर. और गाइस जो भी सुन रहे हैं, जब ये स्पाइन डीकंप्रेस जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो हमारी जो रीढ़ की जो हड्डियां है ना वो एकदम करीब करीब हो जाती है, तो उनको दूर करने के लिए ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, दो लोग टांग पकड़ते हैं और एक बंदा सर पकड़ता है और बंदे को खींचता है दोनों साइड से, लिटरली च्युइंगम च्युइंगम कॉन्सेप्ट. तो कायरोप्रैक्टर्स भी करते हैं, नीड टू बी गुड इन हैंड्स ऑफ अ गुड कायरोप्रैक्टर. तो मैं यही बोल रहा था कि अगर ये आरएक्स मसल वाले डेल पैलम्बो एंड देयर हैज बीन टॉक्स ऑन वेरियस अदर पॉडकास्ट आल्सो कि ऐसा प्रपोज कर सकते हैं कि एक साल के लिए रहे सेम रहे, कुछ लोग तो यही बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में तुमने जो हाइट ले लिया है उसको फिक्स रखो, एथलीट शुड गो थ्रू ऑल दिस रकस एंड शुड जस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ. राइट. इसके सो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने डिस्कस किया विच वाज अबाउट हाइट एंड ये कैसे मैटर करती है स्पेशली क्लासिक फिजिक्स जैसे डिविजन्स में. अभी एक ऐसे डिवीजन में जाते हैं जहां पे आपके भी शायद इरादे होंगे आगे जाने की, जहां पे हाइट मैटर नहीं करती और वेट मैटर नहीं करती, यू नो ओपन के बारे में बात करते हैं. इकबाल भाई से मैंने एक बार सुना था कि वो आपको हादी चुपान के नाम से बुलाते थे, इंडियन हादी चुपान के नाम से. आपकी बहुत फीचर्स ही मिलते हैं स्पेशली जब आप बहुत श्रेडेड हो जाते हो, वो जो लुक है ग्रेनी लुक है वो एक हादी चुपान से मिलती है. तो ओपन बॉडी बिल्डिंग ओलंपिया के बारे में इस बार आपका क्या ख्याल था, एंड आपके एज एन एथलीट आपकी क्या ओपिनियंस थी जो ओलंपिया भी हुआ, हादी चुपान मिस्टर ओलंपिया बने, यू नो एक वेल डिजर्व्ड एथलीट, पोटेंशियली ऐसे एथलीट हैं जिनको ही वन फेयर एंड स्क्वायर. राइट. तो एक ऐसे एथलीट है जिनको पिछले कंसिस्टेंसी की वजह से, उनकी कंसिस्टेंसी एक और ऐसी चीज थी, पीपल्स चैंप भी बहुत बार, और आर्ग्यूबली दो मिस्टर ओलंपिया और जीत सकते थे, एक तो जो पहला मिस्टर ओलंपिया था उनका जहां आए और रिसेंट वाले मिस्टर ओलंपियाज में से एक, बस उनका दिन सही होना चाहिए था लोग ये कह रहे थे. आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हादी चुपान मिस्टर ओलंपिया, एंड वेयर डू यू सी ओपन बॉडी बिल्डिंग की डायरेक्शन अभी जारी?
Big Ramy fixes the problems that he had this year, he will come and win it again. And I'm really hoping and I'm guessing that we are going to see that version in Arnold Classic. Do you think itne jaldi wo ye problems fix kar payenge? There are news that he is already taking care of it. And he has gone through stem cell therapy. Wo stem cell therapy is really, really, matlab bahut zyada regenerative rehta hai. Chris Bumstead is also undergoing that for his bicep tear. क्रिस बम्स्टेड ने गाइस जो स्टेम सेल थेरेपी होती है बेसिकली शॉर्ट ओवरव्यू में देता हूँ जिन लोग को इसके बारे में पहली बार आ रहे हैं. ऑब्वियसली हम कोई डॉक्टर्स नहीं है लेकिन हम लोग को इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है. तो स्टेम सेल्स वो ऐसी सेल्स होती हैं जिनकी पास बहुत अच्छी रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज होती है और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है. ये उन जगहों से मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे पैदा होते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड है या ऐसी जगहों पर से इवन खुद के बॉडी के अंदर से स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं और उनको हार्वेस्ट भी की जाती है. मतलब उनको स्टोर करके उनको बढ़ा भी दी जाती है और इनकी बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. और अब ये बहुत सारे ऐसे कॉजेस के लिए यूज होने लगा है जिनके पहले कोई ट्रीटमेंट्स या रेमेडीज नहीं होती थी या ऐसे कॉजेज ऐसे पेन्स एंड एक्स के लिए जिनका कुछ रेमेडी हमें पता नहीं होता. तो बिग रैमी और क्रिस बम्स्टेड भी इस चीज को यूज कर रहे हैं. बिग रैमी के पास जो थोड़ी सी जो दो चार प्रॉब्लम्स थी जो उनके जो ग्लूट्स में नॉट्स थे या क्वाड्स में नॉट्स थे और बैक की एट्रोफी हुई थी, ये थोड़े से ऊपर से पॉइंट्स थे जिनकी वजह से वो वैसी फिजिक नहीं ला पाए जो पिछले मिस्टर ओलंपियाज में ला पाए. सो मनोज भाई, आपको लगता है कि अगर वो ये चीजें फिक्स कर पाएंगे आने वाले चार हफ्तों में? मेरे ख्याल से तो हो चुकी है फिक्स. Wow guys, bodybuilders know bodybuilders better. तो हम कौन से बोलने वाले? On pro level and that too on Olympia level, they don't take chances. They're like, they are in it to win it. भाई करना है तो करना है, जल्दी just get done with it. जो second runner up थे, runner up. First runner up, Derek Lunsford. उनके बारे में क्या ख्याल था आपका? Oh man, I speak to him and I wished him before the show. I wished him afterwards also. I told him clearly that, bro, you looked really, really great. I'm very happy for you, but I must say this to you. I'm happy for Adi too. God, actually. बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यू नो दोनों का सेम कोच है यू नो एंड दोनों का ये है. आई टेल यू, मैंने भी डेरेक को कॉन्ग्रेचुलेट किया. डेरेक से मैं 1.5 साल पहले से बात कर रहा हूँ. मैंने उनके लिए एक बार एक आर्टवर्क बनाई थी तो तब से उनकी बातचीत चालू है. एंड ही सच ए डाउन टू अर्थ गाय. उन्होंने बोला कि he is himself happy for Hadi. जब Hadi को मिला उनको लगा कि नहीं यार डिजर्विंग थे यू नो. तो वो एक ये था. आई थिंक ये जो ओलंपिया हुआ था इसमें आई फील कि सारे जो भी प्लेसिंग्स मिले एक्सेप्ट फॉर वन, आई फील ऑल द अदर प्लेसिंग्स जो ओपन में थे बगैर कोई कंट्रोवर्सी के थे. लाइक आई थिंक एवरीबॉडी सबने अग्री किया प्लेसिंग्स के साथ. आपको लगता है बिग रैमी की जो प्लेसिंग थी इस बार, सैमसन दौदा को फिफ्थ में आना चाहिए था? नहीं, सैमसन दौदा बस बीटिंग बिग रैमी. So, yeah. So, I think Samson का मैं जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे थे before Olympia, I think he was one of those people की जिनकी वो जो स्ट्रक्चर है ना वो मतलब मुझे लगता है destined to be Mr. Olympia. एक दिन वो तो बनेंगी, ऐसी फिजिक है उनके पास. आपको क्या लगता है उनके बारे में? मैंने इतने गौर से नहीं देखा, उस नजर से नहीं देखा कि whether he will be Mr. Olympia one day, whether he has it in him or not. If it's in his destiny, if it's written, then it's bound to happen. चलो ठीक है. तो मनोज भाई अभी सेफ प्ले कर रहे हैं क्योंकि ये भी उन एथलीट्स के मिक्स में है जो एक दिन ओलंपिया स्टेज पे जाने वाले. तो आई थिंक या सो मनोज भाई, हम लोगों ने काफी चीजें अभी तक डिस्कस की ओलंपिया के बारे में एंड आपके जो पिछली एक साल गई है. आप मुझे
एक कुछ आपके फॉलोअर्स हैं जिन्होंने हमें कुछ सवाल पूछे हैं, तो वो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ. तो इफ यू डोंट माइंड, लेट्स गो एंड जस्ट चेक कि कुछ सवाल हैं, हम उनके जवाब देंगे, कोशिश करेंगे अच्छे जवाब देने की. ठीक है गाइस, सो हाँ पहला सवाल ये है हमारे मावेंद्र भाई से, मावेंद्र वर्कआउट लवर, शाउट आउट, इज दैट मनोज सर का लेग साइज कितना है? आई थिंक ये आपके लेग्स के सर्कमफ्रेंस की साइज पूछ रहे हैं. तो 29 और 29.5 inches. डैम भाई, बड़े लेग्स है भाई, यार बड़े लेग्स है भाई. तो 29.5 इंच, यार मेरी दोनों टांगे नहीं होंगी इतनी. डैम, माशाल्लाह माशाल्लाह. ओके एंड देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनस्टॉपेबल बनी बालू. तो इनका सवाल ये है कि कंपटीशन से कितने दिन पहले जीरो कार्ब्स पे जाते हैं, प्लीज पूछो. ऐसा कुछ नहीं होता कि इट्स नॉट सबके लिए एक जैसा नहीं होता कि जीरो कार्ब जाना ही जाना है. देर आर मेनी पीपल आई नो वो जो जीरो कार्ब करते ही नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली कार्ब्स डिप्लीट करते हैं. बट डिप्लीशन डजेंट मीन कि जीरो कार्ब्स. पहले वो शायद 200-300 ग्राम कार्ब खा रहे थे, अब वो 50-70 ग्राम खा रहे होंगे और कभी जीरो कार्ब्स गए ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी. ऐसा भी होता है, कुछ लोगों के लिए होता है कि हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले से जीरो कार्ब्स. कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जिनको 1 महीने पहले से जाना पड़ता एवे नहीं आती है. वैसी हार्ड कंडीशनिंग नहीं आती है वे खामोश. नहीं आती, मतलब यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू. यस सर. ओके बनी बालू भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लकी स्कॉर्पियो 09. ठीक है, इनका थोड़ा सा मेडिकल ओरिएंटेड सवाल है, जहां पे हम एक सेगमेंट पे बात भी करेंगे. इनका सवाल ये है कि बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर लिवर एंड फॉर इट्स डोजेज, बिकॉज कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करता. Best supplements for liver, there are quite a few. So there is milk thistle, there is pyclogenol, और उसके बाद एकदम से मेरे को नाम क्यों नहीं स्ट्राइक हो रहे और कर्क्यूमिन, how could I forget that? So ये सारे सप्लीमेंट्स हैं जो यू कैन, इफ यू आर इनटू बॉडी बिल्डिंग, इफ यू आर इनटू गियर यूसेज, इफ यू आर इनटू हाई प्रोटीन, यू शुड टेक देम. नॉट नेसेसरली ऑल ऑफ देम, बट कर्क्यूमिन इज वन थिंग, मिल्क थिसल इज वन थिंग दैट यू यू शुड टेक इन. दोनों एक साथ ले सकते हो. एंड टॉकिंग अबाउट सर्विंग्स, उसके सर्विंग्स रहेंगे दिन में 2 बारी, कभी किसी के लिए 1 बारी है, किसी के लिए 2 बारी, डिपेंड्स टोटली ऑन योर लिवर प्रोफाइल वैल्यूज. आपका SGPT, SGOT कैसा है, एल्ब्यूमिन वगैरह कैसा है, इन सबको प्रॉपरली रीड करके उसके बाद ही सजेस्ट कर सकते हो सर. तो आंख बंद करके मनोज सारंगपानी ने बोल दिया कि 2 बारी खा लो, ऐसे मत खाना. अपना लिवर लिवर प्रोफाइल अपने डॉक्टर को दिखाओ, उसके बाद अगर वो सजेस्ट करते हैं तो वो खाइए. या नो मेडिकल एडवाइस गाइस, जिसे हमने पॉडकास्ट के पहले डिस्क्लेमर पे भी डाला है, बट थोड़ा मैं इस पे डीप डाइव करना चाहता हूँ. आपने कुछ अच्छे मेडिसिन्स और कुछ हेल्पफुल इसके बारे में आपने अभी मेंशन किया. मैं थोड़ी सी प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा डीप डाइव करना चाहता हूँ. एक तो ऑब्वियसली मेडिकल हेल्प और एक्स्ट्रा एड, जो ये चीज़ें बॉडी को लगती हैं, एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खुद को मेंटेन करना व्हेन यू आर एज एन एथलीट, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को मेंटेन करना. लेकिन जो प्रैक्टिसेस होती हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस, कि फॉर एग्जांपल हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस वाले खाने नहीं खाना, या खाना फॉर अ स्पेसिफिक चीज़ आपकी जो बॉडी में है, आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना, कि मेरी बॉडी कौन सी चीज़ से इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही है, मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छी है क्या नहीं है. तो लिवर ऑब्वियसली इज वन ऑफ दोज ऑर्गन्स जो बहुत कॉमनली इफेक्ट हो जाती है एक बॉडी बिल्डर के अंदर. प्रैक्टिसेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अदर देन सप्लीमेंटेशन, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो करनी चाहिए एक बॉडी बिल्डर को? अब द फर्स्ट फर्स्ट वे टू गो अबाउट इट इज फूड इंटॉलरेंस टेस्ट. अभी आपका जो गट इन्फ्लेमेशन है, आपके अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपके एक्ने हो रहा है, फाइंड द रूट कॉज.
डायरेक्ट सप्लीमेंटेशन में ना जाके सबसे पहले रूट कॉज फाइंड करिए कि कुछ किसी तरह का फूड आपको सूट नहीं कर रहा है. यू स्पोक अबाउट हाई ग्लाइसेमिक लो ग्लाइसेमिक. किसी किसी को हाई ग्लाइसेमिक व्हाइट राइस सूट नहीं करता, अब किसी को ब्राउन राइस सूट नहीं करता, दैट बीइंग लो ग्लाइसेमिक वो उनको इन्फ्लेमेशन देता है, ब्लोटेड रखता है. जैसे ब्राउन राइस इज नॉट फॉर मी, आई ईट व्हाइट राइस. Coming from a South Indian, that's pretty. No man, I'm not a rice eater. You're not a rice eater, huh? No, the only time I crave for South Indian food is when I'm, मतलब इतने time से मैं भी घर से दूर हूँ, अम्मा पापा से दूर हूँ, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो तब मेरे को चाहिए. Right. अपनी मम्मी के हाथ का वाइब चाहिए. हाँ. Right. Cool. So, yeah. So, ऐसी practices की, जैसे मरुण भाई ने अभी बोला कि अपनी बॉडी को टेस्ट करना, ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में बात होनी चाहिए. एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस गोल्डन पॉइंट्स ऑन दैट. इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. इस हु सेवन नोज, पता नहीं आप कौन हो, हु नोज हु यू आर, बट आपका सवाल ये है कि मनोज भाई फुल डे ऑफ ईटिंग एंड सप्लीमेंट स्टैक एंड विटामिंस ऑफ डेली इनटेक, अगर आप क्विकली आप बता सकते हो कि आपका दिन का जो शेड्यूल एज पर ईटिंग और सप्लीमेंट्स कैसा होता है और आप कैसे करते हो. ओके, माय डे स्टार्ट्स ऑफ विद ग्रीन्स, एक्चुअली अ ड्रिंक ऑफ ग्रीन्स आई टेक दैट. और उसके बाद मैं अपना इंट्रा वर्कआउट जो मेरा EAA है, आई पुट दैट, आई हेड ऑफ फॉर माय फास्टेड कार्डियो करते टाइम आई टेक समवेयर अराउंड 20-30 ग्राम्स ऑफ EAAs विद ग्लूटामिन. उसके बाद कार्डियो खत्म, एब्स ट्रेन करता हूँ, उसके बाद मैं घर आता हूँ. घर आके माय फर्स्ट मील इज 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 30-50 ग्राम्स ऑफ वॉलनट्स, सम हनी, वन और टू बनानास. उसके बाद संडेज आई प्रिफर वे ओवर एग्स क्योंकि मुझे सुबह सुबह क्रेविंग होती है. सो ओट मील जो मेरा है सुबह का, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट मील्स ऑफ द डे क्योंकि वो मैं लेके बैठता हूँ अपने डब्बे में, इतना सारा रहता है. आई एम अ हैप्पी मैन, मैं खुश हूँ, गॉड इज ग्रेट. ओके, एंड आफ्टर दैट, after that then there is a like I start with my daily work jo kaam rehta hai mera, office ka, clients ka, online coaching and all, inquiries aa rahi hoti hain to us pe reply karna, instagram pe post karna. Ab to har bodybuilder ke ye hissa ban gaya zindagi ka. Yeah. Uske baad idhar udhar sab jagah opportunities dhoondna. अगले मील का टाइम आ जाता है, दैट इज 200-250 ग्राम वाइट राइस, अगेन वाइट राइस एंड देन दिस चिकन एंड वेजीज. विद दैट आई स्टार्ट ऑफ माय सप्लीमेंटेशन. तो सप्लीमेंटेशन में मेरा रहता है एक लिवर का रहता है, देन देयर इज किडनी का, देयर इज हार्ट का, देयर इज मल्टीविटामिन CLA, ये सब. उसके बाद फिर उसके बाद मेरा अगला मील वापस 2.5-3 घंटे में एक और मील आता है, द सेम मील. फिर 2-2.5 घंटे में फिर से सेम मील. बोर हो जाओगे यार मेरे मील प्लान सुनोगे तो, मतलब या गाइस प्रीटी बेसिक बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल हार्डकोर. इट्स वेरी बेसिक, मतलब समटाइम्स आई रिप्लेस वाइट राइस विद वाइट पोटैटोस, बेबी पोटैटोस. तो मैं बस उसको मैरिनेट करके आई पुट इट इन, आई रोस्ट इट इन एयर फ्रायर और उस पर हल्का सा शुगर फ्री केचप डाल लेता हूँ कभी कभी, या तो कभी कभी वो भी नहीं डालता और बस गार्लिक हर्ब्स जो उसका सीजनिंग आता है वो डाल लेता हूँ. आई हैव इट विद चिकन एंड देन माय दैट्स द ओनली थिंग आई रिप्लेस इट विद एक्चुअली, अदरवाइज ऑल माय मील्स आर चिकन एंड राइस. ओके, सो आपके मील्स में कहीं पे कुछ मीट, रेड मीट बेस्ड ये नहीं होती है, एनी सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं, राइट? कुछ जरूरत नहीं पड़ती उसके बारे में? नहीं. अच्छा, कूल.
आपने एक पॉइंट मेंशन किया था कि आप सुबह सुबह, और इसके साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा सा एक टॉपिक से मजेदार, जिसके मुझे लगता है कि आपको ये डिजर्व भी था, आपने कहा कि आपका सुबह का जो ओटमील था, आपको वे की बहुत क्रेविंग होती है, और कैसे नहीं होगी क्रेविंग आपको वे की जब आपने अपनी रिसेंट सप्लीमेंट कंपनी के साथ हाथ जोड़े हैं, जिनका पर्पल आप आज रैप कर रहे हो, मसल टेक बेबी। लाइक मनोज भाई, हाउ डू यू फील मैन, लाइक मसल टेक ज्वाइन करके कैसा फील हो रहा है आपको, ये कैसे हुआ कैसे ये? See, the day Muscle Tech के साथ I joined hands was मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था, the legends were there, Dexter Jackson, Phil Heath, Jay Cutler, all were there. Maybe it's written in the stars. And now Manoj Sarangpani in the list, guys. Yeah, no, but how is it? Maybe if you can give a little bit, कि आप क्या, how, कैसा रहता है एक ऐसे सप्लीमेंट कंपनी के साथ एसोसिएट रहना, हाउ इज इट वर्किंग फॉर देम, यू नो, और आप यू नो कैसा फील कर रहे हो अभी? इट्स सी एवरीथिंग इज लाइक उन्हें सेल्स चाहिए, ऑफ कोर्स एवरी ब्रांड वांट्स सेल्स, एंड इफ यू आर देयर ऑन द टीम दे ट्रीट एवरी एथलीट विद रिस्पेक्ट, दैट्स वन रियली गुड थिंग विद इट. एंड उनके जो एथलीट मैनेजर्स हैं, देयर इज प्रथा, देयर इज रेणुका, so I'm in connect, I connect with them, and both are really great people, and they, मैं जो बोलता हूँ, मेरे inputs जो रहते हैं या फिर मेरी जो needs रहती हैं, they respect that, and मैं order करता हूँ stack, यार मेरे पास like 3 दिन में आ जाता है, and उसके अलावा जो products आ रहे हैं वो मेरे बिना पूछे they just give it to me. थोड़ा कम किया था. Yes, and अभी ब्लेसिंग अबोदिबू आने के बाद it is again on the rise. राइट, व्हाई डू यू थिंक कि जब ऐसे कंपनीज इतनी बड़ी हो जाती है बियॉन्ड अ स्पोर्ट, क्योंकि उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली एड्स वैड्स भी अगर देखेंगे तो क्रिकेटर्स, हमारे इंडियन क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, इन लोगों को भी मसल टेक अभी यू नो स्पॉन्सर कर रहा है एज एथलीट्स, एक बहुत ओवरऑल नॉन बॉडी बिल्डिंग नहीं बोल सकते, एक कन्फाइंड टू बॉडी बिल्डिंग ब्रांड नहीं हुई है मसल टेक, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांड है और एक्टर्स भी. Supplementation is not just for bodybuilding. Supplementation is for health, overall health. You talk about multivitamins and multiminerals. You talk about omega-3. You talk about creatine, whey protein. Every damn thing on that list is for everyone. You don't go to the gym. You play a sport. You play badminton. You play football. Whey protein, creatine, everything is there for you. Aminos, BCAAs, everything is for you. ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई तुम हैवी वेट्स उठा रहे हो, तुम जिम में एक डेढ़ दो घंटे लगा रहे हो तो ही सप्लीमेंटेशन तुम्हारे लिए, एंड पीपल आर गेटिंग वेरी अवेयर ऑफ इट, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली. राइट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहली बात तो मनोज भाई, आपका ये बहुत बड़ा कदम था, एंड आप डिजर्व एथलीट हो, मतलब मैं देख सकता हूँ कि आपके जैसे एथलीट इनके ब्रांड के लिए क्या क्या नहीं कर सकते, एंड आई होप ये जो पार्टनरशिप है लंबी चले. गाइज, जो भी देख रहे हो प्लीज जाके कॉन्ग्रेचुलेट करो मनोज भाई को कमेंट सेक्शन में और इनके इंस्टाग्राम पेज पे. हमारे पास और कुछ दो सवाल हैं, इसके बाद हम रैप अप करेंगे. मनोज भाई, एक सवाल हमारे पास ये था कि जो कार्ब सोर्सेज होती हैं आपके जो मील में, इसी के साथ आपके डे पे, आपकी ट्रेनिंग पैटर्न ऐसी होनी चाहिए फॉर अ सर्टेन टाइम इन द डे कि आप अपने कार्ब सोर्स वहां पे सराउंड करो डाइजेशन में. मैं कहना ये चाहता हूँ जी, तो आप अपने कार्ब्स को अपने वर्कआउट के हिसाब से दिन में अरेंज करते हो, या आपका क्या सिस्टम रहता है? नहीं, आपका फिक्स रहता है चाहे कैसा भी वर्कआउट. हाँ, चाहे जो भी वर्कआउट हो, चाहे लेग डे हो, बैक डे हो, आर्म्स हो या जो भी हो, माय कार्ब सोर्सेस, माय टाइमिंग्स, एवरीथिंग रिमेंस द सेम. अराउंड मतलब
पेरी वर्कआउट मींस प्री इंट्रा एंड पोस्ट वर्कआउट के इर्द गिर्द जो भी मेरा सप्लीमेंटेशन है देयर इज कार्ब्स लिक्विड कार्ब्स सो आई हैव अ शेक आई डोंट ईट अ होल मील लाइक मेरे वर्कआउट से डेढ़ दो घंटे पहले हो जाता है मेरा उसके बाद मेरा लिक्विड मील रहता है सो देयर इज कार्ब्स एंड इंट्रा वर्कआउट मेरा देयर इज BCAA देयर इज बीटा एलेनाइन देयर इज सिट्रोलिन मैलेट ये सब रहता है तो यू आर गिविंग योर बॉडी एवरीथिंग दैट इट नीड्स नाउ मिलो साचेव का ये हाइपरेमिया ट्रेनिंग सिस्टम सुना है तो व्हाट वो है क्या यू आर गिविंग योर बॉडी एवरीथिंग दैट इट विल रिक्वायर नाउ यू वर्क आउट एंड गिव इट सच अ पंप गिव इट सच अ ब्लड फ्लो दैट एवरीथिंग रशेस टू दैट मसल सो दैट इज द प्रिंसिपल दैट वी अप्लाई कि भाई ये सब आ गया तुम्हारी बॉडी में ये सब वर्कआउट के दौरान चल रहा है नाउ वी वर्क फॉर स्ट्रेंथ वी वर्क फॉर हाइपरट्रॉफी वी वर्क फॉर पंप सब अब वो कहां जाएगा सब मसल में ही जाएगा आई थिंक ये सवाल एक दो पर्सपेक्टिव से आता है एक एथलीट के पर्सपेक्टिव से आता है जो एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग स्टाइल पे स्टाइल मतलब फॉर एग्जांपल लेट से इयान वैलियर है उनका बहुत हैवी ड्यूटी प्रिंसिपल्स पे उनकी वर्कआउट होंगी यू नो जेम्स हॉलिंग्सहेड है एज अपोज टू फिल हीथ है जिसकी उतनी वेट नहीं होती बट वो ऐसे दिखते हैं कि क्योंकि उनके ग्लाइकोजन इतने फिल्ड होते हैं मसल्स में कि वो यू नो उनके प्रिंसिपल्स अलग होते हैं टाइम अंडर टेंशन के प्रिंसिपल्स होते हैं तो एज एन एथलीट आपकी क्या प्रिंसिपल है ट्रेनिंग की यू नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रिंसिपल डू यू फॉलो इन टर्म्स ऑफ की आपकी वॉल्यूम ज्यादा रहती है आपका क्या डायनामिक होता है आपकी करंट ट्रेनिंग रिजीम में करंट देखा जाए तो इट इज देयर इज टाइम अंडर टेंशन आल्सो एंड देयर आर स्ट्रेट सेट्स जो कि इट्स हैवी इट्स फ्रीकिंग हैवी आई deadlift 6 plates I squat 6 plates uske baad kya I rowing kar raha hu to full stack aur plus 20 kg ka plate ye sab chal raha hota hai ye straight sets hain but when we come to giant set and then there is SST sarcoplasma stimulating technique so SST training is patent to us brainchild तो उसमें एवरीथिंग कम्स देर इज टाइम अंडर टेंशन देन देर इज उसी में देर इज हाई वॉल्यूम ऑल्सो हाई नंबर ऑफ रेप्स ऑल्सो तो SST कैन बी ट्वीक्ड इन एनी विच वे तो मेरा ट्रेनिंग पैटर्न कभी ऐसा ये नहीं रहता कि इतने महीने यही चलेगा अब टुडे वॉज माई बैक डे I didn't deadlift. But I came out of the gym victorious. I knew that I gave it my all because मैंने close grip lat pull downs किए, मैंने reverse grip lat pull down किए, then I did close grip V bar वाला seated cable rowing, then I did wide grip rowing, then I did cable pullovers. And then I did what? What was the other thing that I did? Low cable rows. And so, yeah. So you almost everything was 3-4 sets and around 12 reps, 8 reps, 15 right. reps, something like that. Cool. So. ये चीज एक और मिथ बस्टर है यहाँ पे जो हम कह सकते हैं इन अ वे कि यू नो सर्टेन ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स कंबाइन करके भी यूज की जा सकती है एक एथलीट के लिए राइट राइट एज अ बिगिनर जब हम इस सवाल को अप्रोच करते हैं राइट आपको क्या लगता है एज अ बिगिनर हाउ कितना वरीड होना चाहिए इन चीजों के बारे में क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ जब तक आपकी बॉडी एक जगह तक पहुंची नहीं है
तब तक आपको इन चीजों के बारे में उतनी फिकर नहीं करनी चाहिए. डू यू अग्री एंड व्हाट अप्रोच वुड यू टेक एज अ बिगिनर, आपको क्या लगता है? वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू. एंड रॉनी कोलमैन हैड द सेइंग, व्हाई फिक्स समथिंग दैट्स नॉट ब्रोकन. यू आर डूइंग समथिंग, यू आर अप्लाइंग अ प्रिंसिपल कि भाई तुम्हारा स्ट्रेट सेट्स चल रहे हैं, यू आर डूइंग मॉडरेट टू हाई वॉल्यूम, अच्छा खासा वेट पुश हो रहा है, यू आर ग्रोइंग, why would you be so crazy to change something now? Agar you the process is stalling somewhere and ho gaye 1.5-2 mahine ho gaye ki you are not moving, tab socho uske bare mein. But abhi jab tum grow ho rahe ho to tum ye sab kyun soch rahe ho? And you are just starting right now, you do anything, you give your body any kind of stimulus, you are bound to grow. For a person who hasn't been training, you give something to do, he's going to lose weight, he's going to build muscle. Agreed. तो basics पे खेलना चाहिए. और रॉनी कोलमैन साहब एक और बात कहते थे कि everybody want to be bodybuilder but ain't nobody want to lift no heavy ass weight. So heavy weight training के बारे में आप कुछ कह सकते हैं कि as a bodybuilder एक मसल में साइज और डेंसिटी लाने के लिए हैवी वेट ट्रेनिंग कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, या उसके अराउंड भी कुछ तरीके हैं? दैट डेंस रफ लुक दैट यू गेट, द ब्रांच वॉरन, द डोरियन एप्स काइंड ऑफ थिंग कम्स विद हैवी ट्रेनिंग, इट कम्स विद हैवी ट्रेनिंग. एंड रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया था इंस्टा के कि इफ यू नॉट training to maximize your strength, what is actually the use? Just round bubbly muscles and you don't have strength. You have to look the part. ye meri thinking hai, not everyone has to agree with it. People coffee ka kehna hai ki bhai ye bodybuilding hai and we are achieving our goals, training light, okay, yeah, you bound to have your choices and your opinions. But the day that skinny ass power lifter beats you in the gym, it's gonna hurt you. Yeah. But yeah, Manoj bhai, are you saying something? No. Okay. So, ये थोड़ी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की बेस्ड ऑन जो सवाल थे. और भी सवाल आए हैं हमारे पास, लेकिन मुझे लगता है वो एक अलग कॉन्वर्जेशन के रेल में चले जाएगी. अभी बहुत टाइम भी हो चुका है और पता नहीं चलता कि मनोज भाई जैसे खुश दिल इंसान के साथ जैसे जब टाइम बिताते हैं, बात करते हैं, वक्त का पता नहीं चलता कहाँ चले जाता है. मनोज भाई, जाते जाते आप मुझे बताइए कि व्हाट्स योर फ्यूचर लुकिंग लाइक, आपकी अभी फ्यूचर, करीब आने वाली फ्यूचर कैसी है, हम फैंस को क्या एक्सपेक्टेशंस दे सकते हैं आपकी तरफ से, और आपका ये जो 5 साल रहा है इससे आपने क्या सीखा है ओवरऑल इन जनरल, कुछ मैसेज अगर आप ऐसा पूरा देना चाहें तो. डोंट गिव द फैंस एनी एक्सपेक्टेशंस और ओपिनियंस, जस्ट गिव देम द न्यूज़, मनोज सारंगपानी इज क्वालिफाइंग फॉर ओलंपिया 2023. या इट्स या इट्स अ न्यूज़ दैट इट्स अ न्यूज़ गाइस. अच्छा, अब ये न्यूज इनको दिखेगी बॉडी बिल्डर्स विदाउट बॉर्डर्स पे अभी थोड़े कुछ महीनों में, चंद महीनों में आने वाले कि मनोज सारंगपानी, एंड वी ऑल विश फ्रॉम इवन देसी मसल, यू नो, आपके जैसा, यू नो, यू आर फ्लैग बेरर है आप हमारे लिए, हम सब के लिए. सो या, एंड अगली बार बिफोर आप योर कॉम्पिटिशन, मैंने इकबाल भाई से भी बात करके रखी है, तो आपका एक वो एनुअल एनुअल सीनियर पॉडकास्ट होगा हमेशा देसी मसल पे. तो आप वेटरन हो हमारे पॉडकास्ट के लिए भी, और हमारे व्यूअर्स बहुत आपकी डिमांड में, जो ही पॉडकास्ट आपका निकलता है लिटरली उसके उसी दिन कमेंट्स डीएम्स में होते कि ओके नाउ नेक्स्ट मनोज सारंगपानी अगेन, लाइक भाई यार ब्रेक दे दो यार थोड़ा बंदे को. बट व्हाट डू वांट टू से अबाउट द लव दैट पीपल आर गिविंग यू, आपको जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं उसके बारे में? आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव इन माय लाइफ, फॉर माय फैमिली, फॉर माय फैंस, फॉलोअर्स, for me to have Iqbal in my life, for you all, all of you guys, I'm just grateful, yeah. Bahut gratitude hai, it's not often that I show it, but
you all must know that it's all in here. थैंक यू सो मच मनोज भाई आपका वक्त निकालने के लिए आज मेरे साथ एक सोलो पॉडकास्ट करने के लिए. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, आपके सवाल, आपके कमेंट्स, आपके थॉट्स, जो भी हमने बात की यहाँ पे, कुछ इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो अपनी जिंदगी में तो कीजिए. जो भी लिंक्स हैं जिन कंपनीज के साथ मनोज भाई अफिलिएटेड हैं, जो हमारे लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में है, आपको कहीं भी किसी भी तरह मनोज भाई को कॉन्टैक्ट करना है, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. Make sure to like, share, subscribe. Manoj bhai, like, share, subscribe. Like, share, subscribe. And until next time, that's Desi Muscle Podcast. Tata, bye-bye, shab khair. Whew, cool. Oh yeah. Aisa laga? Arre bahut dhasu.